नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिला के कपाली नगर परिषद में 2 दिवसीय पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, सर्वजन पेंशन तथा गंभीर बीमारी योजना के लिए दिए गए आवेदन की सत्यापन पर पेंशन स्वीकृत किया गया। शिविर के करीब 400 लोगों का पेंशन स्वीकृत किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए सरायकेला खरसावां जिले में 36,000 लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य है, जबकि अब तक मात्र 7,000 लाभुकों को ही इससे जोड़ा जा सका है। इस शिविर के माध्यम से 100% लाभुकों को जोड़ा जाना है। अंचल अधिकारी प्रवण अनबस्ट ने बताया कि कपाली नगर परिषद कार्यालय में विशेष पेंशन शिविर में काफ़ी लोगों पेंशन आवेदन लेकर पहुँचे हैं, जिनका सत्यापन कर योग्य लाभुकों को पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। लोगों को चांडिल प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस उद्देश्य से कपाली में ही पेंशन शिविर आयोजित की गई है। सरकार की योजना कपाली नगर परिषद के सभी योग्य लाभुकों को पेंशन देने की है। सभी पेशाधारियों को प्रत्येक माह के 5 तारीख को खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कपाली नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर पेंशन शिविर आयोजित करना सरकार की एक अच्छी पहल है। जीवीएन 24 न्यूज़ के लिए कल्याण पात्रों की रिपोर्ट। परिषद के अंतर्गत लगभग यहाँ पर 8,000 हाउस होल्ड हैं। हम लोग BLO आंगनबाड़ी सेविका, यहाँ के माननीय वार्ड मेंबर, यहाँ के चेयरमैन मैडम, उपाध्यक्ष महोदय, सब लोगों के सहयोग से पेंशन शिविर लगाए थे। और इस पेंशन शिविर में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और गंभीर बीमारी संबंधी पेंशन सभी का सत्यापन हुआ, स्वीकृत हुआ। लगभग हम लोग आज 300 से 400 पेंशन स्वीकृत कर चुके हैं, जिसकी एंट्री 1 से 2 दिन में हो जाएगी। कल फिर इसका हम शिविर लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कल इससे ज़्यादा फॉर्म हम लोगों को प्राप्त होगा। और हमारा कोशिश रहेगा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरे कपाली को हम लोग सैचुरेट कर दें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए योग्य है वो पेंशन से छूटे नहीं। सर, 2 से 3 दिन में उन लोग सभी लोगों का फॉर्म ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार जब पेंशन देगी, जो कि हर साल हर महीने की 5 तारीख निर्धारित कर दी गई है, तो उस समय उनके अकाउंट में आ जाएगा। उसको प्रत्याख्ता पेंशन योजना कहते हैं। उसमें यह है कि कोई भी महिला जो 45 साल से ऊपर है और उन्होंने किसी कारण शादी नहीं की, या वो पति से अलग रहती हैं या पति ने छोड़ दिया, उन सभी लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। ये राज्य सरकार की योजना है।